आपका लाइन ट्रेनिंग पर जाने का प्रोसेस क्या था? 20 दिसंबर 2023 को मेरा ZRTI का ट्रेनिंग समाप्त हुआ। उसी दिन हम लोग DRM ऑफिस के लिए आए, तो वहाँ आने के बाद जो है 2-3 दिन का समय लग गया। चूँकि 21 दिसंबर को यहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जैसे सब लोग आए तो उसमें समय लग गया ज़्यादा, तो इस वजह से 20 में सैटरडे और संडे भी था और क्रिसमस डे भी था, और इसलिए 26 दिसंबर को हम लोगों को लाइन ट्रेनिंग पे जाने के लिए लेटर जारी कर दिया गया। मिर्ज़ापुर स्टेशन हमें अलर्ट हुआ और फिर 27 दिसंबर को मिर्ज़ापुर स्टेशन पे रिपोर्ट किए। तो अलर्ट ड्यूटी पर पहले दिन का अनुभव कैसा रहा? पहले दिन का अनुभव तो बहुत ही मतलब उत्सुकता से भरा हुआ था, मन में बहुत सारी बातें थी, सोचे जाएंगे तो कैसा होगा, सब कुछ नया होगा और नए लोग से मिलेंगे, डर भी था थोड़ा सा और मतलब बहुत अलर्ट थे, बहुत एक्साइटेड थे। UTS में आपके एक सप्ताह किस प्रकार बीते हैं? तो जो सबसे पहले हम अलर्ट ड्यूटी में UTS ही हमको अलर्ट हुआ, तो UTS में एक सप्ताह बीता, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखे, बीच में गलतियां भी होती थी, कई बार पैसे का नुकसान भी सहना पड़ा, काफ़ी बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखे कुल मिला के। UTS में क्या क्या करने पड़ते थे? जैसे जनरल चालू टिकट का मतलब बांटना होता है, जिसमें कि MST भी बनवाते हैं, QST भी बनवाते हैं, और जो मतलब हैंडीकैप्ड होते हैं या डिसेबल होते हैं किसी भी तरह का, तो उनके लिए भी टिकट बनाया जाता है, कंसेशन वाला टिकट बनाया जाता है। सीनियर्स और इंचार्ज का सहयोग कैसा रहा? जो हमारे सीनियर जो पहले से थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, जो इंचार्ज हैं वो भी कोऑपरेटिव हैं, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो बताते हैं और सिखाते हैं। बताते थे कि कैसे पहले पैसा लेना है, उसके बाद टिकट लेना है, धीरे धीरे काम करना है, पूरी तरह से सीख जाएंगे तब थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब आपको आगे किस सेक्शन में ट्रेनिंग करना है? उनके माध्यम से 1 पर आने का कार्यक्रम से अब या मतलब UTS पूरा हो जाने के बाद, जैसे एक सप्ताह के लिए यहाँ भेजा गया, अब जा करके फिर से CBPS जो है उनसे मिलेंगे, जो हमारे चीफ हैं उनसे मिलेंगे, देखते हैं वो किस सेक्शन में भेजते हैं।